डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा की अध्यक्षता में सभी उपमंडला अधिकारियों, खंड चिकित्सा अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, तहसीलदार और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्वारंटीन स्थानों के बेहतर प्रबंधन और निगरानी को और सुदृढ़ करने पर चर्चा की गई। बैठक में स्कूलों में बनाए गए क्वारंटीन केंद्रों के विकल्प के बारे में भी चर्चा की गई। इसके लिए एक सप्ताह के भीतर विश्राम गृहों, हॉस्टल और होटलों इत्यादि को चिन्हित कर इनमें क्षमताएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए। होटलों में भुगतान के आधार पर लोगों को क्वारंटीन की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा पिछले एक माह में बाहरी राज्यों से आए लोगों को क्वारंटीन एवं होम क्वारंटीन में रखने एवं इनके प्रबंधन, रेड जोन से आए लोगों के नमूने लेने की प्रक्रिया इत्यादि पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जो 43 लोग जवाहर नवोदय विद्यालय डुंगरी से भेजे गए थे, उन्हें घर भेजने से पूर्व उनके साथ कुछ देर तक संबंधित टीम द्वारा बातचीत की गई थी। उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ इन जगहों का दौरा किया है और उनके प्राथमिक संपर्कों के बारे में भी जानकारी जुटाई है। जो 43 लोग नवोदय विद्यालय से रिलीज किए, उनके सभी फैमिलीज को एसडीएम ने सर्विलेंस एंड मेडिकल टीम के साथ विजिट किया है। उसमें जो फैमिलीज के साथ बात की है, शाम को लेट आए थे, रिलीज किए थे, कुछ लोग पॉजिटिव हैं, रात में शिफ्ट किया गया। उसमें जो वैसे उनको पहले ही 15 मिनट का ब्रीफिंग की थी मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ में, तो ये उसमें जो किस तरह से फैमिलीज को अपने आप को आइसोलेट रखना है नेक्स्ट 2 वीक तक, और उनको जो हाउस कंटेनमेंट बनाना है उसको बना रहे हैं, ऑर्डर कर देंगे शाम तक। उसमें फैमिलीज को कौन 2-3 लोगों की कमेटी बनेगी उसी वार्ड में, वार्ड मेंबर और कंसर्न पंचायत का पद, जो विभिन्न जो इसमें चौकीदार और विभिन्न से पटवारी, वो सारा उनका नीड्स का ध्यान रखेंगे और इसलिए एक्टिव सर्विलेंस के तहत इनका नेक्स्ट 2 वीक का रखेंगे। तो इसको लेके हमने सारी लिस्ट ले ली है और इसको भी आज सभी एसडीएम्स, बीएमओज, बीडीओज, तहसीलदार और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं उनके साथ डीसी की थी, और जो पिछले 1 महीने में 25 अप्रैल के बाद में किस तरह से कितने लोगों को होम क्वारंटाइन रखा, कितने को इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन रखा, किस किस तरह से हमने अरेंजमेंट्स किए, क्या ऑब्जर्वेशंस रही, उन सभी चीज़ों को लेकर रिव्यू किया था। बीच में एसडीएम्स के साथ तो हम रिव्यू करते रहे हैं, बीएमओ के साथ भी करते रहे हैं, तहसीलदार को हमने शामिल किया उसमें, उनका किस तरह से रिवेन्यू के थ्रू उसको मोबिलाइज कर रहे हैं, और जो चीज़ें है किस तरह से मेडिकल टीम्स जा रही है, और इश्यूज क्वारंटाइन में कितने उन्होंने सैंपल्स दिए जा रहे हैं, उनका सैंपल्स की रिपोर्टिंग को लेकर रिव्यू किया, और इस बात पर भी स्ट्रेस किया कि जिनकी नेगेटिव रिपोर्ट भी आ रही है उनको सैंपल्स लिए हैं और जो रिपोर्ट आती है 2-3 दिन तक उसका टाइम लग जाता है, तो उसमें विद इन डे में उनको बताया जाए, और रिपोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में भेजी जाएगी, जो ब्लॉक सर्वेलेंस ऑफिसर और जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर के थ्रू वो मैच हो, और उसके बाद क्योंकि होम क्वारंटाइन स्टेशन क्वारंटाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सर्विलेंस टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें किस तरीके से यहाँ रिपोर्ट आती है तो उनको किस तरह से डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस टीम उसको क्रॉस चेक करके उनको वापस रिलीज ऑर्डर परफॉर्मेंट है, प्रैक्टिस पहले भी है, इसको किस तरीके से जहाँ लूप होल्स रह गए हैं या जो है जहाँ जहाँ किसी की रिपोर्ट नहीं है, उस चीज़ को मैं एनालाइज किया और यही डिसाइड किया कि अल्टीमेटली किसी को भी होम क्वारंटाइन के लिए भेजना है या आइसोलेशन के लिए भेजना है वो ऑर्डर्स डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से होंगे। और दूसरा, जो हमने इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन स्कूलों में बना रखे हैं उनको कैसे विद इन ए वीक में उनका अल्टरनेट फाइंड आउट करके रेस्ट हाउसेज हैं या कोई होटल्स पेड बेसिस पे उनकी जो लिस्ट हमने बना रखी है उसको कैसे पब्लिक के साथ शेयर करें, और उनको कैसे ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, हॉस्टल्स हैं तो उनके लेके उस चीज़ को लेके भी रिव्यू किया, और जो
आने वाला चैलेंज है, क्योंकि लोग आएंगे और 31 के बाद में क्या चैलेंज है और किस तरह से हमें जो डिफरेंट जोन से लोग आ रहे हैं उनकी सैंपलिंग कैसे लेनी है, वो सारा हमने रिव्यू किया।